गुड मॉर्निंग क्लास. टुडे वी विल डू द सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 5.2. बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू अबाउट सम एंगल्स. सी, फर्स्ट टाइप ऑफ एंगल इज एक्यूट एंगल व्हिच इज लेस देन 90 डिग्री बट ग्रेटर देन 0 डिग्री. मीन्स एनी एंगल व्हिच इज मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री इज दैट एक्यूट एंगल. नेक्स्ट वन इज राइट एंगल, एन एंगल दैट इज ऑफ 90 डिग्री. जो कम्प्लीटली कितनी डिग्रीज का हो, 90 डिग्री का, उसको क्या बोलेंगे हम, राइट एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल, एन एंगल ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180. जो 90 से तो ग्रेटर हो बट 180 से लेस हो, उसको क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल. स्ट्रेट एंगल दैट इज ऑफ 180. राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड कंप्लीट एंगल. राइट एंगल कितने डिग्रीज का होता है, 90. स्ट्रेट एंगल 180 और कंप्लीट एंगल क्या होगा, 360. नाउ रिफ्लेक्स एंगल, एन एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360. सी, 180 से तो ज़्यादा हो और 360 से, दिस वन इज न्यू, राइट. ये आपकी ये न्यू है. दीज अबाउट, ये एंगल्स जो हैं एक्यूट, राइट, ऑब्ड्यूस, स्ट्रेट, कंप्लीट, ये आप प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं. नाउ वन मोर इज रिफ्लेक्स एंगल, जो क्या है, एन एंगल ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360, राइट. नाउ कम टू नेक्स्ट. सी, देयर आर ऑल्सो सम गिवन टू यू, लेस देन 90 डिग्री दैट इज कम्प्लीटली 90 डिग्री, स्ट्रेट लाइन, दीज आर द सम सिंबल्स. सी, इट इज रिफ्लेक्स एंगल, ग्रेटर देन 180 बट लेस देन, ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180 इज ऑब्ट्यूज एंगल. क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज द सम ऑफ एन एंगल एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 90 डिग्री. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स दोज टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री. देर आर टू टर्म्स, वन इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड वन इज सप्लीमेंट्री एंगल्स. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है बेटा, कोई भी दो एंगल जिनका सम हमारा क्या हो, 90 डिग्री हो, वो एंगल्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. एंड सप्लीमेंट्री, कोई भी दो एंगल जिनका सम क्या हो, 180 डिग्री हो, वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल, राइट. सी, व्हाट इज द सप्लीमेंट्री ऑफ 130 मीन्स सप्लीमेंट ऑफ 130 मीन्स कि हमें इसका एक सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना है. अगर सप्लीमेंट एंगल निकाल रहे हो तो हमें पता है कि जो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं उनका टोटल सम क्या होगा दोनों का, 180, राइट. हमें पता है कि एक एंगल जो हमारे पास वो 130 का है, तो आप इससे सेकंड एंगल फाइंड आउट कर सकते हो, सप्लीमेंट फाइंड आउट कर सकते हो उसका, 180 माइनस 130, राइट. दीज टू पॉइंट्स आर क्लियर. द सम ऑफ एन एंगल एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री and its complementary angle is 90 degree. The sum of an angle and its supplementary angle is 180 degree. Clear? Now come to the exercise. An angle less than right angle is acute angle. Is an acute angle, right? An angle less than a straight line but greater than a right angle is obtuse angle. What is obtuse angle? C part, an angle that is less than a complete angle but greater than a straight angle is reflex angle. What is reflex angle? Right? Now identify 67 degree क्या होगा आपका, acute angle. 178 less than 180 है, obtuse. 90 degree right angle, 12 degree acute, less than 90 है. This one also less than 90, so it is acute. And F part 91, it is obtuse, greater than 90. तो आपको क्या करना था, acute angles find out करने थे. So acute are this one, this one and this one. लेकिन आपको नोटबुक में सभी को लिखना है एंड उनके सामने लिखोगे आप 67 डिग्री क्या है, एक्यूट एंगल, 178 डिग्री ऑब्ट्यूज, 90 डिग्री राइट एंगल,
12 डिग्री एक्यूट, 89 डिग्री एक्यूट, 91 डिग्री ऑब्ट्यूज, राइट। नाउ K3, I am neither an acute nor an obtuse, but I am less than a straight angle. So it can be anyone. See, I am neither an acute. See, it means neither acute means more than 90, nor an obtuse. Obtuse angle क्या होते हैं? जो more than 90 हो, और acute angle less than 90. It means जो हमारा 90 degree का, see, acute क्या होगा? सॉरी, एक्यूट क्या होगा? लेस देन 90, और ऑब्ट्यूज क्या होगा? ग्रेटर देन 90. इट मीन्स जो आपका 90 डिग्री का एंगल है, बट आई एम लेस देन अ स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल का मतलब 180 डिग्री. हु एम आई? 90 डिग्री राइट एंगल. क्लियर? बिकॉज दे आर सेइंग कि मैं एक्यूट भी नहीं हूँ, ऑब्ट्यूज भी नहीं हूँ. तो जो हमारा 90 डिग्री का एंगल है, सिर्फ एक वही रहता है, क्योंकि वही एक स्ट्रेट, सॉरी, राइट एंगल है, राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बोथ द आवर एंड द मिनट हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर एट 3. सी, आवर की भी और मिनट की भी 3 पे है. What would you call the angle which is formed when one of the hand of the clock is rotated clockwise by 3 right angles while the other hand remains at 3? Now see, clockwise by 3 right angles. They are saying one clock is there. See, one clock is there. The question is like this. Both hour and minute hands of a clock are at 3. दोनों कहाँ हैं? 3 पे. आवर और मिनट्स की निडल जो दोनों हैं वो कहाँ पे है? 3 पे, राइट. नाउ दे आर सेइंग, व्हाट वुड यू कॉल द एंगल विच इज फॉर्म्ड व्हेन वन ऑफ द हैंड ऑफ द क्लॉक इज रोटेटेड क्लॉकवाइज बाय 3 राइट एंगल. 3 राइट एंगल्स मींस, राइट एंगल कितने डिग्रीज का होता है आपका? 90 डिग्री का. 3 मींस 3 टाइम्स ही मूव. 9 3 ज़ा 27, 270 डिग्री. While the other hand remains at 3, it is on 3, only this one is moved. 3 right angle means one this, again at this, again at this. 270 degree का angle जो होता है वो कितने का होता है? More than straight angle, so it is of reflex angle. Which angle you call? Reflex angle. Clear? See, clockwise by 3 right angles. Right angle कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का. 90 multiply by 3, क्योंकि इन्होंने 3 times उसको rotate किया है, right? 270 डिग्री का angle क्या होता है? Reflex angle. Clear? Now fifth question. Both the hour and the minute hands of a clock are at 12. Now the hands and minute both are on 12, right? What would you call the angle which is formed when one of the hand of the clock is rotated anti-clockwise? Means opposite side. ये clockwise होता है बेटा, क्योंकि 1 2 3 4 5, और ये anti-clock होता है opposite direction में. Is rotated anti-clockwise by 2 right angles while the other hand remains at 12. 2 right angle means 2 मल्टीप्लाई 90 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और ये 180 डिग्री मूव करने के बाद एंगल क्या होता है हमारा 180 पे? स्ट्रेट एंगल. क्या होता है? स्ट्रेट एंगल. आपको सिर्फ एक चीज नोट करनी है, वो क्या है कि इन्होंने कितने राउंड्स किए हैं. अब इन्होंने 2 राउंड्स किए हैं 90 डिग्री के. 90 डिग्री कब होगा आपका? यहाँ से ये एंगल ऐसे आएगा तभी 90 डिग्री होगा ना. अगर ये ऐसे यहाँ आता है तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाती है, और स्ट्रेट लाइन क्या होता है? स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का. 90 डिग्री का हाफ, वन यहाँ कंप्लीट होता है, सेकंड यहाँ होता है, तो ये जो एंगल है ये कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का. 180
आंसर ऑफ दिस इज स्ट्रेट एंगल. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासीफाई द शेडेड एंगल इन ईच क्लॉक एज एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट और रिफ्लेक्स. नाउ सी, दिस इज स्ट्रेट लाइन, इट मीन्स दिस एंगल इज ऑफ स्ट्रेट. विच एंगल इज दिस? स्ट्रेट एंगल. नेक्स्ट, दिस इज मोर देन स्ट्रेट एंगल. सी हेयर 180 डिग्रीज कंप्लीट, इट इज मोर देन 180, सो दिस एंगल इज रिफ्लेक्स. दिस एंगल इज रिफ्लेक्स. नाउ सी, यहाँ पे स्ट्रेट है, ये 180 से लेस है, 180 से लेस देन एंगल ऑब्ट्यूज. नेक्स्ट सी, इट इज लेस देन 90 डिग्री, सो इट इज एक्यूट. आपको सिर्फ शेडेड पोर्शन चेक करना है, ये कंप्लीट शेडेड मीन्स कंप्लीट एंगल. नेक्स्ट 90 डिग्री राइट एंगल, राइट, दिस क्वेश्चन यू विल डू जस्ट इन बुक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनिशियली राम फेसेस ईस्ट, ही देन टर्न टू हिज राइट बाय 8 राइट एंगल्स. 8 राइट एंगल्स मीन्स विच डायरेक्शन डज ही फेस फाइनली. नाउ सी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ईस्ट साइड, राइट. नाउ दे आर सेइंग 8 राइट एंगल्स, 8 राइट एंगल इज ऑफ 90 डिग्री. 8 मीन्स 80, 8 9 72, राइट, 72 डिग्री का एंगल नहीं होता. हमारा जो कंप्लीट एंगल है वो 360 डिग्री का, जो एंगल होता है वो 360 डिग्री का कंप्लीट है. अगर ये 360 डिग्री का एंगल कंप्लीट करता है, इट मींस कि ये रोटेट करके वापस से ईस्ट साइड में मिलेगा हमें. क्लियर बेटा? 360 का मतलब है कि राउंड कंप्लीट करना, क्योंकि 360 डिग्री के एंगल को इसलिए कंप्लीट एंगल बोलते हैं क्योंकि उसका मतलब है अगर आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, क्लॉकवाइज जाओ आइदर एंटी क्लॉकवाइज, आप उसको कंप्लीट करोगे. तो ये अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन गिवन नहीं है, दे आर सिंपली सेइंग नहीं, ही टर्न्स टू हिज राइट. सी, अगर वो ईस्ट की साइड फेस करके खड़ा है, इट मीन्स जो उसका राइट साइड है वो इस साइड से आएगा क्लॉकवाइज. 360 पे वो कंप्लीट करके वापस ईस्ट की साइड हो जाएगी. 360 टोटल 720, इट मीन्स उसने कंप्लीट एंगल के 2 राउंड किए, तो वो कौन सी डायरेक्शन में मिलेगा? ईस्ट. क्लियर और नॉट? सेम डायरेक्शन, क्योंकि उसने 360 के 2 राउंड्स क्लियर किए, टोटल उसने 720 डिग्री किए. थर्ड क्वेश्चन, द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक इज एट 6, आवर्स की जो निडल है क्लॉक की वो 6 पे है. ये हमारी क्लॉक है, आवर्स की निडल स्मॉल होती है, तो ये जो है वो 6 पे है, 3 9 and 12. इट इज टर्न बाय राइट एंगल इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, का मतलब होता है अपोजिट क्लॉकवाइज का, कि स्ट्रेट चलते रहो जैसे क्लॉक चलती है, एंटी क्लॉक अपोजिट. अब 6 का एंटी क्लॉक मीन्स वापस 3 की तरफ जाना. इट इज टर्न बाय राइट एंगल, राइट एंगल का मीन्स 90 डिग्री. हमें पता है कि क्लॉक में 90 डिग्री, अगर 6 पे है तो 90 डिग्री कहाँ होगा? 3 पे. इन एन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन फाइंड इट्स न्यू पोजिशन, तो न्यू पोजिशन कहाँ होगी इसकी? 3 पे, एट 3. क्लियर और नॉट? सी बेटा, क्लॉक वाइज में हमारे, ये जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि क्लॉक में हमारे 4 क्वाड्रेंट हो गए, ठीक है. अगर कोई भी पर्सन लगा लो, कोई भी, जैसे आपकी निडल होती है, हैंड होता है सॉरी क्लॉक का, अगर वो कंप्लीट राउंड करती है, अगर वो 12 से स्टार्ट होके 12 पे आती है, 3 से स्टार्ट होके 3 पे आती है, 6 से स्टार्ट होके 6 पे, और 9 से स्टार्ट होके अगर वापस 9 पे आती है, तो इट मीन्स उसने कंप्लीट कितने डिग्री का एंगल किया है? 360 डिग्री. अगर कंप्लीट एंगल वो 360 डिग्री का कर रही है, तो इट मीन्स जो हमारे पार्ट हैं वो कितने हैं क्लॉक में? 4. 4 से डिवाइड करो, 4 9 36, इट मीन्स जो हमारा वन पार्ट है वो कितने डिग्री के एंगल को रिप्रेजेंट करता है? 90 डिग्री.
Now same they are saying he turned by a right angle. राइट एंगल का मतलब एक क्वाड्रेंट कंप्लीट किया तो उसकी पोजीशन कहाँ मिलेगी, एट 3. क्लियर. नाउ फोर्थ क्वेश्चन. ईच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. विच एंगल्स? कॉम्प्लीमेंट्री. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो सम होता है वो 90 डिग्री होता है, राइट. फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एंगल्स. जो हमारे कम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं मीन्स दोनों एंगल्स को जब हम ऐड करेंगे तो हाँ सम क्या आएगा, 90 डिग्री. सम क्या आएगा, 90 डिग्री. अब हमें पता है कि एक एंगल जो 65 का है, सेकंड आप फाइंड आउट कर सकते हो. 90 माइनस 65, 10 माइनस 5, 5, 8 माइनस 6, 2. हाउ मच? 25 डिग्री. सेम फॉर दिस. 90 में से इनको सब्ट्रैक्ट करो, आपको ये कम्प्लीमेंट्री एंगल्स मिल जाएंगे. नेक्स्ट स्टेप, ईच ऑफ द फॉलोइंग आर द पेयर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स. सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है जो सम होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री के इक्वल. अब यहाँ देखो, इसका सम 50, एक एंगल जो हमें गिवन है वो 53 है. हम सेकेंड वन फाइंड आउट कर सकते हैं. 7 माइनस 5, 2. जो वन एंगल होगा हमारा वो कितना होगा, 127 डिग्री. सेम फॉर दिस, 60 डिग्री गिवन है लेकिन दोनों का सम जो क्या होगा वो 180, तो 180 माइनस 60, 120. क्लियर. आई होप ऑल द डाउट्स ऑफ दिस एक्सरसाइज आर क्लियर.